नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज मैं आप सबके सामने भारतीय संविधान के संशोधन की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह टॉपिक सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। तो जरूरी है कि इस टॉपिक को हम लोग 100% कम्प्लीट कर लें। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पाएंगे कि आपको यह आसानी से याद हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला है संविधान संशोधन 22, जिसमें मेघालय को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। तो मेघालय में एक शब्द छुपा हुआ है, मेघ। मेघ अर्थात बादल, और आपको पता है कि जो बादल हैं वह क्या करते हैं, बारिश, है ना। बादल क्या करते हैं, बारिश। तो बारिश से हो गया 22, 22 बारिश। तो संविधान संशोधन 22 में किसका वर्णन है दोस्तों, मेघालय को भारतीय राज्य के दर्जा देने का, क्योंकि मेघालय में है मेघ शब्द, मेघ अर्थात बादल, और बादल क्या करते हैं, बारिश। तो बारिश से 22। क्लियर है दोस्तों। अगला संविधान संशोधन है 7वां, जिसमें वर्णन है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का। तो भाषाई आधार अर्थात इसमें एक शब्द है भाषा अर्थात लैंग्वेज। तो आपको पता है कि हम सब की भाषा समान है, अर्थात मैं आपकी भाषा समझता हूँ और आप मेरी भाषा समझते हैं, इसलिए हम सब साथ में रहते हैं। अगर आप मेरी भाषा ना समझो और मैं आपकी भाषा ना समझूँ तो हम सब साथ में नहीं रहेंगे। मतलब हम सब साथ में इसलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। तो भाषा से हो गया भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, और हम लोग साथ में इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग भाषा को समझते हैं। तो 7 से हो गया संविधान संशोधन 7। तो संविधान संशोधन 7 में किसका वर्णन है दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का, क्योंकि हम सब एक दूसरे की भाषा को समझते हैं इसलिए हम सब साथ हैं। तो 7 से संविधान संशोधन 7। क्लियर है। अगला है संविधान संशोधन 10, जिसमें दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त करा के भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। मतलब इससे पहले दादर नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन थी, अर्थात दादर नगर हवेली के लोग पुर्तगालियों के दास थे। तो दास से 10, अर्थात संविधान संशोधन 10। तो संविधान संशोधन 10 में किसका वर्णन है दोस्तों, दादर नगर हवेली का, जो कि संविधान संशोधन 10 के अंतर्गत भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त किया। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि दादर नगर हवेली में एक शब्द छुपा हुआ है, हवेली। हवेली अर्थात किला, जो कि राजा महाराजाओं के पास होता था। तो आपको पता है कि राजा महाराजा के पास दास दासियां होते थे, है ना। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हवेलियों में बहुत सारे दास दासियां होते हैं। तो दास से संविधान संशोधन 10 और हवेली से दादर नगर हवेली। तो संविधान संशोधन 10 में दादर नगर हवेली को भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। क्लियर है। अगला है संविधान संशोधन 13, जिसमें नागालैंड को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। तो नागालैंड में एक शब्द छुपा हुआ है, नाग, और 13 में है दो शब्द, 1 और 3। तो आपको पता है कि एक ही ऐसे देव हैं जिनके 3 नेत्र हैं, वह कौन है, भगवान शिव। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक ही ऐसे देव हैं जो कि त्रिशूल धारण करते हैं, साथ ही वह अपने गले पर नाग भी धारण करते हैं, है ना। अर्थात भगवान जो शिव हैं वह अपने गले पर नाग धारण करते हैं, साथ ही उनके त्रिनेत्र है और वह त्रिशूल भी लिए रहते हैं। तो केवल एक ही ऐसे देव हैं, तो 1 और 3 से 13 और नाग धारण किए हुए होते हैं, तो नाग से नागालैंड। तो संविधान संशोधन 13 में किसका वर्णन दोस्तों, नागालैंड को भारतीय राज्य के दर्जा दिया जाने का। क्लियर है। अगला है संविधान संशोधन 18, जिसमें पंजाब का पुनर्गठन कर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का निर्माण किया गया। पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब नाम दिया गया, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा और पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया, और बचे हुए क्षेत्र को चंडीगढ़ का नाम दिया गया। तो पंजाब में एक शब्द छुपा हुआ है, जॉब, क्योंकि पंजाब का पुनर्गठन किया गया और उससे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ निकले। तो अगर हम लोग पंजाब को याद कर लें तो यह याद हो जाएगा। तो पंजाब में
एक शब्द छुपा हुआ है जॉब, और आपको पता है कि जॉब कितने वर्ष के बाद लगती है? 18 वर्ष के बाद। अगर भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी जॉब की वैकेंसी निकालती है तो वह 18 साल से कम की नहीं होती। मतलब मिनिमम एज कितनी चाहिए? 18 वर्ष। तो 18 से हो गया संविधान संशोधन 18, और 18 वर्ष किस लिए चाहिए? जॉब के लिए। तो जॉब से हो गया पंजाब का पुनर्गठन। तो संविधान संशोधन 18 में किसका वर्णन है दोस्तों? पंजाब के पुनर्गठन कर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के निर्माण का। क्लियर है? अगला है संविधान संशोधन 36, जिसमें सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम में एक शब्द छुपा हुआ है सीख। सीख का मतलब होता है छड़ी। और 36 में एक शब्द छुपा हुआ है क्षति। क्षति का मतलब होता है नुकसान। अगर किसी भी व्यक्ति को सीख अर्थात छड़ी से मारा जाए तो जाहिर सी बात है कि उसको क्षति पहुंचेगी, है ना? अगर किसी भी व्यक्ति को सीख से मारा जाता है तो उसको कुछ ना कुछ क्षति पहुंचेगी। तो सीख से हो गया सिक्किम और क्षति से संविधान संशोधन 36। तो संविधान संशोधन 36 में क्या वर्णित है दोस्तों? सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया जाना। क्लियर है? क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को सीख से मारेंगे अर्थात छड़ी से मारेंगे तो उसको कुछ ना कुछ क्षति पहुंचेगी। क्लियर है? अगला है संविधान संशोधन 56, जिसमें गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान संशोधन 12 में गोवा और दमनद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, लेकिन फिर संविधान संशोधन 56 में गोवा को केंद्र शासित से बदलकर राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो गोवा में शब्द छुपा हुआ है गो वन, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था। तो गोवा में क्या शब्द छुपा हुआ है दोस्तों? गो वन। अगर कोई भी व्यक्ति गो अर्थात जाएगा कहाँ? वन में, तो पेड़ पौधों के बीच में वह छिप जाएगा, है ना? अगर कोई भी व्यक्ति वन में चला गया तो वह पेड़ पौधों के बीच में नहीं दिखेगा, छिप जाएगा। तो छिपने से हो गया छिप्पन अर्थात संविधान संशोधन 56। और कब छिप जाएगा? जब वह गो होगा कहाँ? वन में। तो गो और वन से हो गया गोवा। तो संविधान संशोधन 56 में क्या है दोस्तों? गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर है? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति वन में जाएगा तो वह वहाँ छिप जाएगा। ठीक है दोस्तों? अगला है संविधान संशोधन 53, जिसमें मिजोरम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। तो मिजोरम में छुपे हुए हैं तीन शब्द। मी मी को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं माँ। दूसरा शब्द है जौ, यानी जाने की बात हो रही है। और तीसरा शब्द है राम, यानी माँ बोल रही है कि जाओ राम। तो अगर आपने रामायण देखा हो तो आपको पता होगा कि रामायण में जो केकई थी उन्होंने दशरथ जी से तीन वचन मांगे थे। यानी दशरथ जी ने तीन वचन दिए थे केकई को कि जो तुम मांगोगी वह मैं दूंगा। तो केकई ने कहा था, यानी केकई को राम भगवान माता बोलते थे, तो केकई ने कहा था कि राम कहाँ जाओ? वन में। माँ बोली जाओ राम वन में। लेकिन दशरथ जी जो थे वह नहीं चाहते थे कि राम वन में जाएं, लेकिन फिर भी उनको राम को वन में भेजना पड़ा, क्योंकि माँ क्या बोली? जाओ राम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो दशरथ जी थे वह तड़प के राम भगवान के वियोग में प्राण को त्याग दिया, है ना? दशरथ भगवान राम भगवान को बहुत मानते थे, तो फिर उन्होंने राम भगवान की याद में तड़प कर अपने प्राण को त्याग दिया। तो तड़पने से हो गया 53, तड़पन तिरपन। तो संविधान संशोधन 53। और क्यों तड़पे? क्योंकि माँ ने कहा जाओ राम। तो माँ जाओ राम, तो माँ जाओ राम से हो गया मिजोरम। तो संविधान संशोधन 53 में किसका वर्णन है दोस्तों? मिजोरम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया जाना। क्लियर है? संविधान संशोधन 55, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। तो अरुण में अगर हम लोग शब्द को देखें तो आर, यानी इंग्लिश का आर शब्द, फिर उ अर्थात यू और ना का एन, तो हो जाएगा रन। अरुण, आर यू एन, यानी रन। तो क्या होता है कि जब बचपन में छोटे होते हैं तो लोग बहुत रन करते हैं, यानी दौड़ते हैं, तो वह थकते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही वह 55 के हो जाते हैं तो रन करने से क्या होता है कि वह थक जाते हैं, है ना? मतलब बचपन में तो रन करने से नहीं थकते, लेकिन जैसे ही 55 के हो जाते हैं तो रन करने से थक जाते हैं। तो बचपन, 55 और रन से अरुण। तो अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य का दर्जा कब दिया गया दोस्तों? संविधान संशोधन 55 में। क्लियर है? संविधान संशोधन 61, जिसमें मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी जो वर्तमान में मतदान की उम्र है
18 वर्ष वह 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई। तो 18 में है दो शब्द, एक और आठ। अगर एक और आठ के बीच में मैं एक छोटा सा शब्द लिख दूं, वह है सा। तो एक, सा और आठ, अगर तीनों को हम लोग मिलाकर पढ़ें तो हो जाएगा 61। एक, सा, आठ और 61, तो दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। तो 1, 8 से 18 अर्थात मतदान की उम्र 18 और 61 से 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया दोस्तों? मतदान की उम्र को 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है? अगला है संविधान संशोधन 42, जिसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन में संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो सबसे पहले हम लोग लघु संविधान को याद कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो लघु में एक शब्द छुपा हुआ है लहू, लहू अर्थात ब्लड, और 42 में एक शब्द छुपा हुआ है बलि। तो आपको पता है कि जब पहले के टाइम पे जानवरों की बलि दी जाती थी तो बलि देने से क्या निकलता है? लहू, है ना। अगर किसी भी जानवर की बलि दी जाए तो बलि देने से क्या निकलता है? लहू। तो लहू से हो गया लघु संविधान और बलि से 42। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन को। क्लियर है? तो इस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो कर्तव्य में एक शब्द छुपा हुआ है कार, है ना। कर्तव्य में एक शब्द छुपा हुआ है कार, और 42 में एक शब्द छुपा हुआ है बैल। तो आपको पता है कि पहले के टाइम पे तो मोटर कार होती नहीं थी, तो क्या होता था यात्रा करने के लिए? बैलगाड़ी, है ना, जो कि बैल द्वारा चलाई जाती थी। और वर्तमान में बैलगाड़ी ख़त्म हो गई हैं, यानी बैलगाड़ी से कोई नहीं चलता, अब सब कार से चलते हैं। तो बैलगाड़ी से यानी बैल से हो गया 42 और कार से हो गया मौलिक कर्तव्य। तो संविधान संशोधन 42 में इसका वर्णन दोस्तों मौलिक कर्तव्य का। क्लियर है? और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। अगला है संविधान संशोधन 44, जिसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो 44 में है दो शब्द, चार चार। पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे शब्द लिखा हो चोर चोर, और चोर क्या चुराता है? घर में रखी हुई संपत्ति को, है ना। चोर घर में रखी हुई संपत्ति को चुराता है, और जब संपत्ति को वह चुरा ले जाता है तो हम किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास, अर्थात कानून के संरक्षण में, है ना। संपत्ति के चोरी होने के बाद हम सब कानून के संरक्षण में जाते हैं। तो संविधान संशोधन 44 में किसका वर्णन दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया जाने का, क्योंकि चोर क्या चुराता है? संपत्ति। और चोर के संपत्ति चुराने के बाद उस संपत्ति से हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है, और हम उस अधिकार को पुनः वापस पाने के लिए कानून के पास जाते हैं। क्लियर है? अगला संविधान संशोधन 101, जिसमें GST अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स का उल्लेख है। और GST की टैगलाइन क्या है दोस्तों? वन नेशन वन टैक्स। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं वन नेशन और वन टैक्स। तो वन और नेशन की जगह देश का नक्शा आ गया, और फिर वन शब्द। तो अगर हम भारत देश के नक्शे को ऊपर से नीचे तक मिलाएं तो जीरो आकृति का निर्माण होगा। तो क्या लिखा हुआ है सामने? 101 अर्थात वन नेशन वन टैक्स। तो संविधान संशोधन 101 में किसका वर्णन दोस्तों? GST का। क्लियर है? क्योंकि GST की टैगलाइन क्या है? वन नेशन वन टैक्स। तो 101 अर्थात संविधान संशोधन 101। क्लियर है? अगला है संविधान संशोधन 85, जिसमें ST SC को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति की व्यवस्था की गई। तो 85 में एक शब्द छुपा हुआ है पिछासी, अर्थात पीछे से। आपको पता है कि जो ST SC के समुदाय हैं वह पिछड़ा वर्ग समुदाय में आते हैं, यानी पहले के टाइम पे यह आर्थिक रूप से पिछड़े थे। तो आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण इनको पीछे से आगे लाने के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति की व्यवस्था की गई। तो मैंने कहा इनको पीछे से आगे लाने के लिए, यानी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। तो पीछे से हो गया पिछासी अर्थात संविधान संशोधन 85। तो संविधान संशोधन 85 में किसका वर्णन दोस्तों? ST SC को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति की व्यवस्था का, क्योंकि ST SC समुदाय के लोग पीछे थे तो इनको पीछे से आगे लाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई, और पीछे से 85। क्लियर है? अगला है संविधान संशोधन 86, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया और इसे 11वें कर्तव्य के रूप में भी शामिल किया गया। तो 86 में है दो शब्द, आठ और
छः और दूसरी तरफ शब्द लिखा हुआ है शिक्षा का मौलिक अधिकार। तो आपको पता है कि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं करता वह क्या रह जाता है, अंगूठा छाप, है ना। अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसको अंगूठा छाप बोलते हैं। और अंगूठा में अगर गा शब्द को हटा दिया जाए तो शब्द बचेगा आठ, है ना, और छाप में एक शब्द छुपा हुआ छः। आठ और छः अर्थात संविधान संशोधन 86। और कौन होता है अंगूठा छाप, जो कि शिक्षा प्राप्त नहीं करता। तो शिक्षा से हो गया शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाना। तो संविधान संशोधन 86 में किसका वर्णन दोस्तों, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाने का। क्लियर है, साथ ही इसे 11वें कर्तव्य के रूप में भी जोड़ दिया गया। संविधान संशोधन 1 जिसमें 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो 9वीं में एक शब्द छुपा हुआ है न्यू, नाओ न्यू, है ना, मतलब नए की बात आ रही है। और संविधान संशोधन 1 मतलब संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि संविधान में नया नया यानी फर्स्ट टाइम पे संशोधन किया गया था। तो नया अर्थात संविधान संशोधन 1 और नया से क्या आ जाएगा, नौ अर्थात 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया दोस्तों, संविधान संशोधन 1 के अंतर्गत, है ना, क्योंकि संविधान संशोधन 1 जो कि संविधान पर नया नया संशोधन किया गया था, तो नया से 9 अर्थात 9वीं अनुसूची। ठीक है, अगला है संविधान संशोधन 52 जिसमें 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो 52 में है दो शब्द, पाँच और दो। अगर पाँच को दो से गुणा किया जाए तो कितना आएगा, 10, है ना। 5 × 2 = 10 अर्थात 10वीं अनुसूची। तो संविधान संशोधन 52 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, 10वीं अनुसूची। क्लियर है, क्योंकि 5 × 2 = 10। अगला है संविधान संशोधन 73 जिसमें भाग 9 और अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ा गया। तो 73 में एक शब्द छुपा हुआ है तीतर। एक शब्द होता है तीतर होना, जिसका मतलब होता है भाग जाना। और दूसरी तरफ शब्द लिखा हुआ है भाग 9 और अनुसूची 11 यानी 9 और 11। तो एक मुहावरा होता है 9 2 11 होना, यानी भाग जाना, और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, तीतर होना, और उसका भी मतलब होता है भाग जाना। तो तीतर से हो गया 73 अर्थात संविधान संशोधन 73, और 9 2 11 होना, तो 9 से हो गया भाग 9 और 11 से अनुसूची 11। तो संविधान संशोधन 73 में क्या जोड़ा गया दोस्तों, भाग 9 और अनुसूची 11 को। क्लियर है, इसके बाद आता है संविधान संशोधन 74 जिसमें भाग 9 का और 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो आपको पता है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा संविधान संशोधन आता है, 74वां संविधान संशोधन। और भाग 9 के बाद भाग 9 का और 11वीं अनुसूची के बाद 12वीं अनुसूची, मतलब यह सब क्रम से है। जैसे 73 के बाद 74 आता है, ठीक उसी प्रकार भाग 9 के बाद भाग 9 का और अनुसूची 11 के बाद अनुसूची 12। तो अगर आपको 73वां संविधान संशोधन याद हो चुका है तो 74वां संविधान संशोधन अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या जोड़ा गया दोस्तों, भाग 9 का और 12वीं अनुसूची को। क्लियर है, अगर आपको इस ट्रिक से संविधान संशोधन 73 और 74 याद नहीं हुए हैं तो इनको याद करने के लिए मैं आपको एक अलग से ट्रिक बता देता हूँ। संविधान संशोधन 73 में 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, और संविधान संशोधन 74 में 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। और यह कब जोड़ा गया, 1992 में, मतलब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुए, अर्थात एक ही वर्ष में दोनों संविधान संशोधन हुए। तो 73 में लिखे हुए दो शब्द, 7 और 3, और क्योंकि यह एक ही वर्ष में हुआ तो मैं एक और शब्द जोड़ देता हूँ, वह है 1, अर्थात 7 + 3 + 1, तो कितना हो गया, 7 3 10 1 11 अर्थात 11वीं अनुसूची। तो संविधान संशोधन 73 में क्या जोड़ा गया दोस्तों, 11वीं अनुसूची को। क्लियर है, और अगर बात करें 74वें संविधान संशोधन की तो उसमें भी लिखे हुए हैं दो शब्द, 7 और 4, तो 7 + 4, और एक ही वर्ष में दोनों हुए थे तो + 1।
एक, तो 7 4 11 + 1 = 12 अर्थात 12वीं अनुसूची। तो 74वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया दोस्तों, 12वीं अनुसूची को। संविधान संशोधन 14 जिसमें पांडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। तो पांडुचेरी में एक शब्द छुपा हुआ है पद। पद का मतलब क्या होता है, पैर अर्थात फुट की बात हो रही है, और फुट से 14 अर्थात संविधान संशोधन 14। तो पांडुचेरी को भारत में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया दोस्तों, संविधान संशोधन 14 के अंतर्गत, क्योंकि पांडुचेरी का नाम बदल के पुदुचेरी रख दिया गया है, और पुदुचेरी में एक शब्द छुपा हुआ है पद। पद का मतलब होता है पैर अर्थात फुट, और फुट से 14। ठीक है, अगला संविधान संशोधन 69 जिसमें दिल्ली को NCR का दर्जा दिया गया। NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में तीन शब्द लिखे हुए हैं, एक दा और दूसरा ला, जिस पर आधा ला और लगा हुआ है ना। तो अगर हम लोग दा को अलग से लिखें तो देखने में कैसा लग रहा है, छ की तरह, है ना। जो दा है वह देखने में छ की तरह लग रहा है, और जो ला है अगर उसको हम लोग थोड़ा सा सीधा करके लिखें तो यह तीन हो जाएगा, है ना। ला तीन हो जाएगा, और ला के ऊपर एक और ला लगा हुआ है अर्थात वह भी तीन है। तो 3 × 3 = कितना हो जाएगा, 9 अर्थात 6 और 9। तो 6 × 9 = 69 अर्थात संविधान संशोधन 69। तो दिल्ली को NCR का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया दोस्तों, संविधान संशोधन 69 के अंतर्गत, क्योंकि दिल्ली में जो दा है वह देखने में 6 की तरह लग रहा है, और जो ला है वह 3 की तरह, और 2 ला लिखे हुए हैं, एक ला के ऊपर दूसरा ला। तो 3 × 3 = 9। तो 6 और 9 = 69। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला संविधान संशोधन 84 जिसमें लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किए जाने का प्रावधान है। तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों में एक शब्द कॉमन है सीट। तो सीट को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं चेयर वाली सीट। और 84 में एक शब्द छिपा हुआ है छोरा सी, अर्थात कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि छोरा देखो, छोरा सी, 84। और अगर किसी भी छोरे को सीट के ऊपर बैठा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा, है ना। अगर छोटे बच्चे को सीट पर बैठा दिया जाए तो यह कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करेंगे। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि छोरा सी, कोई भी उटपटांग हरकत नहीं करना, अर्थात कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। और किस में छेड़छाड़, सीटों में। तो संविधान संशोधन 84 के अंतर्गत क्या जोड़ा गया दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाना। ठीक है, अगला संविधान संशोधन 26 जिसमें भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधि और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। तो 26 में एक शब्द छुपा हुआ है छवि, और दूसरी तरफ शब्द लिखा हुआ है राज्यों के शासकों की विशेष उपाधि और प्रिवी पर्स को समाप्त कर देना। तो अगर किसी भी राजा या किसी भी शासक की विशेष उपाधि और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उसकी छवि में कमी आएगी, है ना। मतलब उसकी छवि खराब हो जाएगी अगर उसकी उपाधि और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। तो छवि से 26 और उपाधियों को समाप्त करना या प्रिवी पर्स को समाप्त करने से भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधि और प्रिवी पर्स को समाप्त करना। तो संविधान संशोधन 26 में क्या वर्णन है दोस्तों, भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधि और प्रिवी पर्स को समाप्त करने का। ठीक है, अगला संविधान संशोधन 88 जिसमें सेवा पर करों का प्रावधान किया गया। क्या होता था कि पहले केवल वस्तुओं पर कर लगते थे अर्थात केवल गुड्स पे टैक्स लगते थे, लेकिन संविधान संशोधन 88 के बाद सर्विसेज पे भी टैक्स लगने लगे। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गए, होटल हो गए, ये सब हमको सर्विस देते हैं तो इन पर भी टैक्स लगने लगे। तो आपको पता है कि जो सेवा होती है वह कैसे करते हैं, हाथों से, है ना। अगर हम किसी भी महात्मा या भगवान या कि अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो कैसे करते हैं, अपने दोनों हाथों से। तो दोनों हाथों से, तो हाथ से हो गया 8, और 2 हाथ तो 8 और 8, तो 8 और 8 से हो गया 88 अर्थात संविधान संशोधन 88। तो
संविधान संशोधन 88 में किसका वर्णन है दोस्तों? सेवा पर करों के प्रावधान का। क्योंकि अगर हम लोग सेवा करते हैं तो कैसे करते हैं? अपने दोनों हाथों से। ठीक है, अगला संविधान संशोधन 100, जिसमें बांग्लादेश को भूमि का हस्तांतरण किया गया। तो बांग्लादेश में एक शब्द लिखा हुआ है बंगला, और 100 को अगर इंग्लिश में पढ़ें तो क्या बोलेंगे? 100। तो 100 में एक शब्द मिल जाएगा हम लोग को, वह है रेड। और आपको मैं बता दूं कि बंगला नाम का एक पान भी आता है, मतलब पान की एक क्वालिटी होती है जिसको बंगला पान बोलते हैं। और जब हम लोग पान खा लेते हैं तो हमारा माउथ कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो रेड से 100 और बंगला नाम से एक पान आता है, तो बंगला से बांग्लादेश। तो संविधान संशोधन 100 के अंतर्गत क्या किया गया दोस्तों? बांग्लादेश को भूमि का हस्तांतरण। मैं आपको बता दूं कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान में केवल 14 भाषाएं ही शामिल थी, लेकिन समय और मांग में परिवर्तन के साथ हमारे संविधान में भी संशोधन किए गए और वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो यह 14 भाषाएं कौन सी थी, पहले हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं। तो यह भाषाएं थी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। यह 14 भाषाएं थी। और फिर संविधान में संशोधन कर करके 8 और भाषाएं जोड़ी गईं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो गईं। तो आज हम लोग उन्हीं 8 भाषाओं के बारे में जानेंगे कि उनको किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो चलिए ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। पहली है सिंधी भाषा, जो कि संविधान संशोधन 21 के अंतर्गत जोड़ी गई। तो सिंधी में एक शब्द छुपा हुआ है श्रीडी, है ना? सिंधी में एक शब्द छिपा हुआ है श्रीडी। और श्रीडी के लिए आपको पता है कि श्रीडी में कौन रहते थे? साईं बाबा, जो कि हमेशा बोलते थे कि सबका मालिक एक है ना? साईं बाबा क्या बोलते थे कि सबका मालिक एक है, मतलब सभी लोगों का एक ही ईश है। ईश का मतलब भगवान, तो सभी लोगों का एक ही ईश है। तो एक और ईश से हो गया 21, अर्थात संविधान संशोधन 21। और कौन ऐसा बोलते थे कि सभी लोगों का एक ही ईश है? साईं बाबा, जो कि श्रीडी में रहते थे। तो श्रीडी से सिंधी। तो संविधान संशोधन 21 में किस भाषा को जोड़ा गया दोस्तों? सिंधी भाषा को। और इसके साथ संविधान में 15 भाषाएं हो गई थी। ठीक है, अगला है कोकड़ी भाषा, जो कि संविधान संशोधन 71 के अंतर्गत जोड़ी गई। तो 71 में एक शब्द छुपा हुआ है खत्तर, अर्थात खतरा। खत्तर, 71 दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। और कोकड़ी में एक शब्द छुपा हुआ है कोक। आपको पता है कि कोक एक पेय पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कोक हमारे लिए एक खतरा है, अर्थात हमारे शरीर के लिए एक खतरा है। तो खतरे से हो गया 71 और कोक से कोकड़ी। तो कोकड़ी भाषा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया दोस्तों? 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्योंकि जो कोक है वह हमारे शरीर के लिए खतरा है। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोकड़ी से एक मिलता जुलता शब्द है मकड़ी, और अगर मकड़ी हमको काट ले तो हमको खतरा हो सकता है ना? अगर मकड़ी हमको काट ले तो हमको खतरा हो सकता है। तो मकड़ी से हो गया कोकड़ी और खतरे से 71। तो कोकड़ी को संविधान संशोधन 71 के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, अगला है मणिपुरी, जो कि संविधान संशोधन 71 के अंतर्गत ही जोड़ी गई। तो यहाँ पर हम लोग 71 को याद करने के लिए फिर से कर लेते हैं खत्तर, अर्थात खतरा। और मणिपुरी में एक शब्द छुपा हुआ है मणि, यानी नाग वाली मणि। तो अगर कोई भी व्यक्ति नाग की मणि लेने जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको नाग से खतरा होगा, है ना? अगर कोई भी व्यक्ति नाग की मणि लेने जाएगा तो उसको नाग से खतरा होगा। तो खतरे से हो गया 71, अर्थात संविधान संशोधन 71, और मणि से मणिपुरी। तो मणिपुरी भाषा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया दोस्तों? संविधान संशोधन 71 के अंतर्गत। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति नाग की मणि लेने जाएगा तो उसको खतरा हो जाएगा। ठीक है, अगला नेपाली भाषा, जो कि संविधान संशोधन 71 के अंतर्गत ही जोड़ी गई। तो फिर से हम लोग 71 को याद करने के लिए कर लेते हैं खतरा। और नेपाली में दो शब्द छिपे हुए हैं,
एक शब्द है ना और दूसरा शब्द छिपा हुआ है पाली, अर्थात नहीं पालना। तो क्या नहीं पालना चाहिए? आस्तीन में सांप, है ना। कहते हैं ना कि आस्तीन में सांप मत पालो, नहीं तो खुद को ही खतरा होगा। आपने कई बार यह कहावत भी नहीं पालने से सुनी होगी कि आस्तीन में सांप नहीं पालना चाहिए, नहीं तो वह खुद को ही काट लेगा। तो खुद को काट लेगा तो खतरा होगा। तो खतरे से 71, और नहीं पालना चाहिए तो नहीं पालने से नेपाली, अर्थात नेपाली भाषा। तो नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया दोस्तों? संविधान संशोधन 71 के अंतर्गत। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति नाग को पालेगा तो उसको खतरा हो सकता है, ठीक है, इसलिए नाग को नहीं पालना चाहिए। तो नहीं पालने से नेपाली और खतरे से 71। तो संविधान संशोधन 71 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली। तो इस तरह से हमारे संविधान में कुल 18 भाषाएं हो गई थी, ठीक है। अगला संविधान संशोधन 92, जिसमें बची हुई 4 भाषाएं यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो यहाँ पर हम लोग 92 की बात करने के लिए कर लेते हैं 92। 92, 92 और 92 में एक शब्द मिल जाएगा वीरान। वीरान का मतलब होता है सुनसान इलाका, जहाँ पर कोई भी ना हो, है ना। तो हम लोग वीरान से इन चारों को आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है बोडो भाषा। तो बोडो में एक शब्द छुपा हुआ है बड़ों, अर्थात कोई भी व्यक्ति वीराने में अकेले नहीं जाता, वह अपने बड़ों के साथ जाता है ना। कोई भी व्यक्ति वीरान जगह पर अकेले नहीं जाता, बल्कि वह अपने बड़ों के साथ जाता है। तो बड़ों से हो गया बोडो, अर्थात बोडो भाषा, और वीरान से 92, अर्थात वीरानवे। तो बोडो भाषा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया दोस्तों? संविधान संशोधन 92 के अंतर्गत, ठीक है। अगली है डोगरी भाषा। तो डोगरी में एक शब्द छुपा हुआ है डॉग, डॉग यानी कुत्ता। तो अगर किसी भी व्यक्ति के बड़े उसके साथ नहीं हैं और उसको वीराने में जाना भी पड़े, तो वह साथ में क्या लिए रहता है? डॉग, है ना। अगर उसके बड़े उसके साथ में नहीं हैं फिर भी उसको ज़रूरी है वीरान जगह पर जाना, तो वह अपने साथ डॉग लेकर जाता है। तो डॉग से डोगरी, अर्थात डोगरी भाषा, और वीरान से वीरानवे, अर्थात 92। तो डोगरी भाषा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया दोस्तों? संविधान संशोधन 92 के अंतर्गत, ठीक है। फिर अगली भाषा है मैथिली और संथाली। तो दोनों में एक शब्द कॉमन है थली। तो थली को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं थैली, अर्थात पैसे वाली थैली। तो कोई भी व्यक्ति अपनी पैसे वाली थैली को लेकर अकेले वीरान जगह पर नहीं जाता, है ना। कोई भी व्यक्ति अपने पैसे वाली थैली को लेकर वीरान जगह पर नहीं जाता, तो वीरान से 92, अर्थात 92, और थैली से मैथिली और संथाली। तो मैथिली और संथाली को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया दोस्तों? संविधान संशोधन 92 के अंतर्गत, ठीक है। या फिर आप संथाली को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि संथाली में शब्द छुपा हुआ है साथ ली। तो कोई भी व्यक्ति वीरान में अकेले नहीं जाता, बल्कि वह अपने बड़ों के साथ जाता है। तो बड़ों से बोडो और साथ से संथाली। तो संविधान संशोधन 92 के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो बोडो अर्थात कोई भी व्यक्ति वीरान में अकेले नहीं जाता, अपने बड़ों के साथ जाता है। डोगरी, या फिर उसके बड़े ना हो तो साथ में डॉग को लेके जाता है। तो डॉग से डोगरी। और कोई भी व्यक्ति वीरान में थैली लेकर नहीं जाता, अर्थात पैसों की थैली, तो थैली से मैथिली और संथाली। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं जाता, बल्कि किसी के साथ में जाता है, जिससे उसको डर ना लगे, तो साथ से संथाली। तो इस तरह से हम लोगों ने भाषा से संबंधित संविधान संशोधन को ट्रिक के माध्यम से याद किए। तो चलिए अब हम लोग एक छोटा सा MCQ टेस्ट दे लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मणिपुरी को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान संशोधन 71 के अंतर्गत। क्योंकि मणिपुर में सब छुपा हुआ है मणि और 71 में सब छुपा हुआ है खतरा। तो अगर कोई व्यक्ति नाग से मणि लेने जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके जान को खतरा हो जाएगा। तो खतरे से 71। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मैथिली को
किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्योंकि मैथिली में सब छुपा हुआ थैली, और कोई भी व्यक्ति अपने पैसे की थैली को लेकर वीरान जगह पर नहीं जाता। वीरान से 92। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्योंकि सिंधी में सब छुपा हुआ शिरडी अर्थात शिरडी वाले साईं बाबा, और वह कहते थे कि सबका मालिक एक है, मतलब सबका एक ही ईश है, तो एक ईश से हो गया 21। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोडो को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्योंकि बोडो में सब छुपा हुआ है बड़े, और बड़ों के साथ ही वीरान जगह पर जाते हैं, क्योंकि अकेले डर लगेगा, तो वीरान से 92। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्योंकि 71 में सब छुपा हुआ खतरा, और नेपाली में सब छुपा हुआ नहीं पालना, तो क्या नहीं पालना चाहिए? आस्तीन में सांप, नहीं तो खुद कोई खतरा हो सकता है, तो खतरा से 71। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। कोंकणी भाषा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही आपको यह भी बताना है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।